आपके लेवल तक के मैं उसमें डीप मैंने काफी करवाया था आपको जितना भी इंटेलिजेंस करवाया ठीक है बाकी आप लोग इस पर क्वेश्चन करें क्योंकि एक हो सकता है एक टॉपिक में आपको जो काउंटिंग ऑफ फिगर उसे थोड़ी अलग से करवा दो क्योंकि उसमें थोड़ी ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उस पर मैं आपको थोड़ी और ट्रिक टाइप की बताऊंगा जो काउंटिंग फिगर हमारे होते हैं राइट अदरवाइज आपका इंटेलिजेंस कंप्लीट आज क्लॉक के बाद कंप्लीट हो जाएगा राइट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओ चाहे मैथ हो साइंस हो इंटेलिजेंस हो जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं या आपका हिस्ट्री हो वगैरह सारा हमारा चल रहा है इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा जल्दी करने का कर ट्राई करता हूँ और मेन चीज सैंपल पेपर की आपको एक प्लेट मिल जाएगी मॉक टेस्ट की मिल जाएगी उस प्लेट में जाओ वहाँ से मैं आपको मतलब डेली बेसिस पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ देता रहता हूँ राइट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया लो एक बार कर सकते हो उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करना और लाइक शेयर कर देना राइट और तबियत थोड़ी सही नहीं है जो काम काम लग गया कोल्ड ज्यादा हो गया राइट तो चलो फिर भी मैंने सोचा क्लॉक कंप्लीट करवा देते देखो क्लॉक मतलब क्या होता है हमें पता है जो आपकी जो जो घड़ी होती है आपकी क्या जो एक क्लॉक का ये रहता है ना इसे हम डायल कहते हैं जो पूरा ये का जो रहता है डायल कहते हैं है, हमें पता है यहाँ पे अगर यहाँ पे आपकी तीन बज रही है मान लो तो ये आपकी ये मिनट हैंड ये आपकी कौन सी है ये आपकी आवर हैंड होती है और ये आपकी जो होगी ये मान ली आपकी सेकंड हैंड होती है ठीक है तो हमें पता है एक यहाँ पे क्या होती है एक होगी हमारी मिनट वाली हैंड एक होगी हमारी आवर वाली हैंड और एक होगी हमारी सेकंड वाली हैंड राइट ये हैंड का रोल रहता है यार किसी को पता है मिनट सेकंड आवर वाली रहती है अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं आपसे कि अच्छा देखो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस देख लेना कहीं पे ऐसा लिखा रहता है कहीं पे लिखा होगा अगर टू और इसके ऊपर एक डैश होगा इसका मतलब होता है टू मिनट इसका मतलब होता है कि ये मिनट को डिनोट करता है जैसे टू डिग्री ये डिग्री को डिनोट करता है ना हम यहाँ पे देखिए ये टू डिग्री को डिनोट करता है ये टू मिनट को करता है ठीक है या कहीं पे अगर ये ये डबल होगा तो इसका मतलब होता है टू सेकंड कहीं पे दो डैश होंगे उसका मतलब होता है आपको क्या टू सेकंड तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके ठीक है अगर आगे मैं आपको बताऊं मिनट हैंड की हम बात ही करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की जो हमारे ये मिनट हैंड रहती है अच्छा देखो देखोग जो क्लॉक है ना क्लॉक से अगर मैंने आपसे बात करूँ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर में कम ही क्वेश्चन आ रखे हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं तो इस बार आए ना आए पता नहीं कि पिछले पेपर में हमने देखा तो कम ही क्वेश्चन उसमें आ रखे थे ठीक है तो सबसे अगर मैं यहाँ पे मिनट वाले हैंड को देख रहा हूँ लेकिन पढ़ लो आगे काम आएगा है ना मिनट वाले हैंड की हम बात ही करते हैं यहाँ पे तो इसमें हमें क्या पढ़ना है अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मिनट वाली हैंड है जो मिनट वाली हैंड है वो एक राउंड वो एक राउंड वो कितने समय में पूरा करेगी जो मैंने बोला जो आपकी मिनट वाली सुई है जो आपकी मिनट वाला हैंड है वो एक राउंड पूरा यहाँ से जब स्टार्ट हो जाए तो यहाँ से पूरा चक्कर ये कितने टाइम में कंप्लीट करेगा यस आपने सही बोला अगर ये बोला होगा आप बोलो कि सर यहाँ से यहाँ जाने में पूरा एक घंटे में कंप्लीट करेगा सही बात है ना एक घंटे में कंप्लीट करे करेगा वन आवर में ये यहाँ पे एक चक्कर पूरा करेगा क्योंकि यहाँ से जब ये जाएगा 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 तो जब फिर से यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर से यहाँ पे चार बज चुके होंगे अभी तीन बज रहे हैं समझ पा रहे हो ना तो एक घंटे में कंप्लीट करेगा इट मीन्स मैं इसे सिक्सटी मिनट लिख सकता हूँ सिक्सटी मिनट मैं आपका ये एक चक्कर पूरा कर रहा है ठीक है यहाँ मैं इसे फिर क्या लिख सकता हूँ अगर मैं इसे 60 मिनट में वन राउंड या मैं इसे ऐसे सीख सकता हूँ वो इससे मैं ऐसे सीख सकता हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू थ्री सिक्सट डिग्री क्योंकि हमें पता है सर्कल होता है सर्कल पे ये एक पूरा चक्कर करेगा तो 360 डिग्री पूरा कर लेगा 360 पूरा कर लेगा तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री पूरा कर रहा है तो एक मिनट में ये कितना डिग्री पूरा करेगा एक मिनट में ये कितना डिग्री पूरा करेगा यस यू आर राइट थ्री सिक्सटी अपन सिक्सटी इट मीन्स सिक्स डिग्री इसे डिवाइड करोगे सिक्स डिग्री आपको आ जाएगा तो याद रखना जो मिनट वाली हैंड होती है जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में छह डिग्री पूरा करेगी एक मिनट जब होगा तो वो छह डिग्री जब ये यह यहाँ से देखो ये सेकंड वाली सुई है ना जब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहां से, यहां से फिर यहाँ पे आएगी तो ये क्या होगा एक डिग्री मतलब छह डिग्री यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरा यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं आपके किसके आर वाले हैंड की हम यहाँ पे बात करते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेम इसी की तरह जो आर वाले हैंड जो आपकी जो घंटे की सुई होती है आपकी आर वाली सुई ठीक है जो घंटे की सुई होती है आर वाली हैंड वो क्या करती है वो एक राउंड कितने समय में पूरा करेगी बिल्कुल कौन सा ट्वेल्व जो आपकी आर वाली सुई है वो एक राउंड एक राउंड मतलब जी यहाँ पे है जब ये फिर से यहाँ पे आएगी तो वो वो कितने घंटे में पूरा करेगी यस यू आर राइट मैं पता है वो ट्वेल्व आवर में पूरा करेगी बारह घंटे में वो एक चक्कर पूरा करेगी अभी ये आर वाली हैंड थ्री पे है तो ये फिर से थ्री पे कब आएगी जब बारह घंटे हो जाएंगे ठीक है तो ट्वेल्व आवर में अगर मैं यहाँ से बोलूँ इक्वल टू हाउ मेनी मिनट ट्वेल्व आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट तो मैं बोलूँगा सर सेवन ट्वेंटी मिनट है ना बारह चक्कर बात सेवन ट्वेंटी मिनट हो जाएंगे तो सेवन ट्वेंटी मिनट में ये एक चक्कर मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा कर रहा है तो एक मिनट में ये कितने डिग्री करेगा हम करेंगे थ्री सिक्सटी अपॉन सेवन ट्वेंटी जीरो जीरो का थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स टू सेवेंटी टू डिग्री ये पूरा करेगा मतलब हाफ हाफ डिग्री यहाँ पे इसने पूरा करना है आगे आपको करना है आप यहाँ पे लिख सकते हो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव डिग्री ये पूरा करेगा ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो मिनट वाली सुई थी जो मिनट वाली सुई थी वो एक मिनट में छह डिग्री पूरा कर रही थी जो आर वाली सुई वो एक मिनट में जीरो पॉइंट फाइव डिग्री या आधा डिग्री ही कवर कर पा रही है ठीक है ये डेटा आपको यहाँ पे याद रख देना है बात करते हैं आपके किसकी सेकंड वाली चलो यहाँ पे कर लेता हूँ बात करते हैं हम किसकी आपकी सेकंड वाली सुई की अगर मैं बोलूँ सेकंड वाली सुई एक राउंड कितने मिनट में पूरा करेगी एक राउंड कितने मिनट में पूरा करेगी हम सेकंड सुनी चलती है एक मिनट में वो एक राउंड पूरा करती है बोल मिनट right? में वो एक राउंड आपका पूरा कर देती है एक मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकंड सिक्सटी सेकंड।, सेकंड में वो आपका एक राउंड मीन तीन सौ साठ डिग्री पूरा कर रही है तो एक सेकंड में वो आपका कितना पूरा करेगी यस गाइड यू आर एब्सोल्यूटली राइट थ्री सिक्सटी सिक्सटी जीरो जीरो कर सिक्स या थर्टी सिक्स भी कितना करेगी छह डिग्री पूरा करेगी जितना कि मिनट वाली हैंड करती थी बट मिनट वाली हैंड एक मिनट में छह डिग्री पूरा करती है सेकंड वाली हैंड एक सेकंड में छह डिग्री पूरा करती है राइट जैसे यहाँ से यहाँ चले जाएगी छह सेकंड वहाँ पे आई बीन छह डिग्री वहां पे हो जाएगा ठीक है ये बात सबको क्लियर है अगर मैं आपसे पूछू अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे दो नंबर हैं ये तीन और चार को मैं ले लेता हूं इनके बीच एंगल कितना होगा तीन और चार के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा वो चीज़ हमें देख लेनी है एक रफ आइडिया यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे ऐसा कि बारह घंटे में एक राउंड बारह घंटे में तीन सौ साठ हो रहा है तो एक घंटे में कितना हो रहा है बारह घंटे में तीन डिग्री है तो एक घंटे में कितना होगा येस यू आर राइट थ्री सिक्सटी अपॉइंट ट्वेल्व ट्वेल्व थर्टी सिक्स थर्टी डिग्री हो जाएगा मतलब दो घंटे के बीच मतलब एक एक घंटे में तीस डिग्री का एंगल बनता है याद रखना जब अभी तीन बजे जब तीन से चार पे जाएगा तो वहां पे तीस डिग्री का एंगल आपका कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो याद रखना दो नंबर के बीच अगर आप सिंपल समझो दो नंबर के बीच एंगल बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू थर्टी डिग्री राइट एंगल बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू थर्टी डिग्री दो नंबर के बीच आपका जो एंगल बनने वाला है वो कितने का बनेगा वो आपका तीस डिग्री का थर्टी डिग्री का बनने वाला है ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहे वो दो से तीन हो फोर टू फाइव हो सिक्स टू सेवन हो वट ठीक है वहां पे हमेशा एंगल आपका क्या हुआ थर्टी डिग्री होगा ओके नेक्स्ट करते हैं आप नेक्स्ट क्या करते हैं जो क्वेश्चन आता है आप पे ठीक है क्वेश्चन यहाँ पे आप पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो चीज़ मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ ठीक है मतलब हमें एंगल निकाल एंगल फाइंड करने को कहा जाता है एंगल फाइंड करने को कहा जाता है मेनली किस, किस के बीच जो मिनट वाली हैंड होती है और जो आर वाली हैंड होती है इनके बीच हमें एंगल फाइंड करने को कभी कभार बोला जाता है मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप यहाँ से कम ही आए हैं ठीक है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं राइट अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंगल बिटवीन मिनट एंड, एंड, एंड आवर एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड ठीक है मिनट एंड आवर हैंड के बीच हमें एंगल फाइंड करना है वेन जब वहां पे टाइम क्या हो सेवन थर्टी साढ़े सात बजे क्या एंगल बन रहा होगा घड़ी पे वो हमें फाइंड करना है ये आपका सेंटर है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टाइम हो रहा है आपका कितना साढ़े सात तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपकी ये मिनट वाली होगी वो तो सिक्स होगी और जो आर वाली होगी वो सेवन की तरफ होगी इवन सेवन की तरफ भी नहीं होगी वो कहाँ पे होगी सेवन से दूर जा रखी होगी जरा समझ पा रहे हो मेरी बात को सेवन से थोड़ी दूर होगी सात और आठ के बीच में होगी तभी तो साढ़े सात रहेगा सातवे है तो सात आठवे है तो आठ बीच में है तो साढ़े सात और जी यहाँ पे क्लियर हमें बोले यहाँ पे हमें आपका एंगल फाइंड करना है हमें पता है सर कि दो के बीच हमें क्या पता है आपको क्या पता है कि दो नंबर के बीच एंगल कितना होता है अभी हमने देखा दो नंबर के बीच एंगल आपका तीस डिग्री होता है अगर मैं एक से दो के बीच देख रहा हूँ तीस डिग्री है यहाँ भी तीस डिग्री है हर जगह तीस तीस डिग्री है तो मतलब मैं कह सकता हूँ सर छः और सात के बीच भी आपका क्या होगा तीस डिग्री होगा एम आई राइट और नॉट एम आई राइट और नॉट कि छह और सात के बीच भी आपका तीस डिग्री का एंगल होगा ठीक है इतनी बात आपको समझ आ रही है अब मैं फिर बोल आपको सात और आठ के बीच का एंगल क्या होगा सात और आठ के बीच भी थर्टी डिग्री होगा लेकिन हमें एंगल अभी कहा चाहिए ये तो ये सुई जो मैं इसे बड़ा करके दिखाऊँ तो ये सुई यहाँ पे है यहाँ पे तो यहाँ पे एंगल क्या होगा गाइज यहाँ पे एंगल क्या होगा कम ऑन टेल मी यहाँ पे एंगल क्या होगा ये यू आर एब्सोलूटली राइट यहाँ पे जो आपका एंगल होगा वो थर्टी डिग्री का हाफ हो जाएगा फिफ्टीन डिग्री तो यहाँ पे एंगल होगा फिफ्टीन डिग्री एंड 30 प्लस 15 45 डिग्री का आपके यहाँ पे एंगल बन जाएगा समझ आया कि नहीं आया समझ आ गया होगा आपको ठीक है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो शेयर वेयर करते रहो खूब बढ़िया तरीके से ठीक है यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी ठीक है 45 डिग्री आपके यहाँ पे एंगल आने वाला है इसके बाद अगर हम इसका एक फॉर्मुला का आपको लिखवाना है वैसे कॉमन सेंस से तो कर ही लोगे लेकिन आपको फील नहीं आता है कि सर हमें फॉर्मूले चाहिए है ना कुछ तो लगे पड़े हैं कि फॉर्मूले लेके वीडियोस बना दो ये ठीक है चलो तो फॉर्मूले में हम इसमें क्या करने वाले है? देखो ये फॉर्मुला आप लोग याद रखना फॉर्मुला होता है हमारे कि हमें जो एंगल फाइंड करना होता है हमें जो एंगल फाइंड करना तो कहीं पे से थीटा से भी डिनोट करा रहता है कहीं से भी क्या थीटा से हम इसे डिनोट करते हैं तो एंगल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है गैज आपका इलेवन इंटू मिनट ठीक है लिसन में केयरफुली 11 इनटू मिनट माइनस 60 इनटू आर ये आवर होगा आप 11 इनटू मिनट अपॉन 11 इनटू मिनट माइनस 60 अपॉन आर अपॉन 2 अलग अलग बुक में ये फॉर्मल अलग हो सकता है अलग हो, हो सकता है लेकिन कैलकुलेट करके यही आएगा ठीक है अब हमने बोला हमें एंगल फाइंड करना है ये है 11 11 मिनट मिनट थर्टी है अपन टू इलेवन थ्री जाए थर्टी थ्री आपका तीन सौ तीस माइनस सात सेवन सिक्स जाए फोर्टी टू फोर ट्वेंटी अपॉन टू ये आएगा आपका जीरो माइनस जीरो यहाँ पे आएगा नाइन यहाँ पे आएगा नाइन आएगा क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा नाइन हाँ ठीक है ये यह आपका यहाँ पे आ जाएगा नाइनटी लेकिन ये माइनस में आएगा अपॉन टू टू से डिवाइड करोगे आपको आ जाएगा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा अब बोलोगे सर यहाँ तो माइनस आगे देखो माइनस प्लस तो इसलिए आ रहा है कि आपकी जो मिनट वाली सुई है जो आपकी मिनट वाली सुई है अगर ये अगर ये आर वाली सुई से पहले होती है तब उनके बीच एंगल बनता है तो हम उसे फिर कहते हैं कि वो माइनस में है अगर ये वाली सुई इससे आगे निकल जाएगी यहाँ पे निकल जाएगी फिर एंगल जो बनेगा वो आपका प्लस में होगा एम आई राइट वो आपका प्लस में होगा समझ में आपको आ चुका होगा तो इससे आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये हाई लेवल के एग्जाम में फर्क करता है जब हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी के सीधे आपको वैल्यू रखनी है कि सर 45 डिग्री आ जाए अदरवाइज कॉमन सेंस अभी आपको चीज क्लियर होने वाली है तो आपको बात समझ आ चुकी होगी राइट right? मजा तो आ ही रहा होगा डेफिनेटली सिंपल सी बात नेक्स्ट इसमें जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट मैं इसमें जो आपको बताऊंगा ठीक है इसमें मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है टू थर्टी डिग्री जब टू थर्टी टाइम हो रहा है तो वहां पे एंगल क्या होगा ये आपका होमवर्क रहेगा टू थर्टी पे वहां पे एंगल क्या रहेगा ये आपका यहाँ पे होमवर्क होने वाला है ठीक है तो इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज आपको बोल रहा हूं एंगल बिटवीन अगर मैं आपको बोल रहा हूं एंगल बिटवीन एक सेकेंड एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड जो आपके मिनट हैंड है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एंड आर हैंड इन वन मिनट इन वन मिनट समझ पा रहे हो कि जो आपकी मिनट हैंड है जो आपकी आर हैंड है ठीक है एक मिनट में उनके बीच में कितना एंगल बनेगा हमें पता है सर एक मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो सिक्स डिग्री का एंगल बनाती है और जो आपकी जो आपकी आर हैंड होती है वो वन पॉइंट टू हाफ का बनाती है मतलब जीरो पॉइंट फाइव का बनाती है तो इनको अगर मैं माइनस करूंगा इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा कितना 5.5 मुझे मिल जाएगा बोलो गाइज कोई दिक्कत 5.5 डिग्री मुझे यहाँ पे आपका एंगल मिल जाएगा कि एक मिनट में जो आपकी मिनट वाली सुई होती है जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो 5.5 डिग्री का एंगल बनाती है अब यहाँ पे थोड़ी हमें एक और चीज समझ लेनी है एक और चीज यहाँ पे हमें समझ लेनी है उससे पहले मैं आपको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करवाता हूँ बेहतरीन सा आपको एक क्वेश्चन मैं करवाने का ट्राई करता हूँ इसको सेट कर लो ठीक है ट्राई करवाता हूँ आपको क्वेश्चन है एक क्लॉक इथ सोइंग क्लॉक है एक घड़ी है ए क्लॉक इज सोविंग ध्यान से देखना ए क्लॉक इज सोविंग वो वहां पे टाइम शो कर रही है थ्री सोविंग टाइम तीन बजे का वो वहां पे टाइम शो so कर रही है व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर व्हाट विल बी व्हाट विल बी द टाइम व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द आवर निडिल आफ्टर द आर निडिल जो आर वाली सुई है टर्न 135 डिग्री बेहतरीन क्वेश्चन है एक घड़ी बजे का टाइम सो करिए घड़ी है उसने बजे का टाइम यहाँ पे बता रखा है बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह उसने यहाँ पे टाइम बता रखा है वो तीन बजे का बता रखा है ठीक है जब बोला जब एक सौ पैंतीस डिग्री मूव करेगी एक सौ पैंतीस डिग्री मूव करेगी तो वहां पे आपका टाइम क्या होगा फिर फिर टाइम क्या बेहतरीन क्वेश्चन है हमें पता है सर आपको कैसे करना है हमें पता है यहाँ पे जो एंगल है वो अभी कितना है नाइन्टी डिग्री है एंगल नाइन्टी डिग्री है तो मतलब यहाँ पे भी अब मैं अगर ये यहाँ करूँ यहाँ तक ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा मतलब तीन से छः तक जाने में तो वहां पे कितना एंगल लग रहा है 90 डिग्री मुझे और कितना एंगल चाहिए नौ चार तेरह फोर्टी फाइव डिग्री मुझे और एंगल चाहिए और फोर्टी फाइव अभी हमने निकाला था कि साढ़े सात पे आपका फोर्टी फाइव डिग्री होता है मतलब फोर्टी फाइव जो डिग्री होगा वो कहीं जाके कर यहाँ पे हो जाएगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका वन थर्टी फाइव हो गया तो हमारा टाइम वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टाइम वहाँ पे क्या हो जाना है ये सुनिए यहाँ पे आ जाएगी आई थिंक आपको कौन सी बोला था और आर, आर ने डिल बोला है आर और वन थर्टी तो ये वन थर्टी फाइव पर जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे आपका फोटी फाइव डिग्री है फोर्टी फाइव डिग्री पे आपका अभी हमने बोला ठीक है ये यहाँ आएगी तो ये वाली कहाँ पे आ जाएगी ये वाली आपके यहाँ छः पे आ जाएगी जो ये वाली है कौन सी मिनट वाली जो है तो आपका टाइम हो जाएगा वहाँ पे कितना सेवन थर्टी आई राइट और नॉट आपको समझ आई बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके तो से समझ आ चुकी है ने निकाला भी था पीछे ठीक है इस टाइप से भी क्वेश्चन हम रहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना थोड़ी आपसे इतना मतलब ज्यादा बहुत कम चांस है इतना डीप आपसे पूछा जाए लेकिन पूछा जाए तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अब मैं बात करता हूं आपको एक यहाँ पे तीन एंगल हम पढ़ेंगे एक होगा आपका जीरो डिग्री एक होगा आपका वन एटी डिग्री एक होगा आपका नाइनटी डिग्री पहले हम जीरो की बात करते हैं कि क्या कि क्या सर जब क्लॉक चल रही है जब हमारी घड़ी चल रही है क्या वहां पे कभी जीरो डिग्री का एंगल बन पाएगा आप बोलोगे सर ऐसे कैसे जीरो डिग्री कैसे बनेगा लेकिन बेटा वहां पे जीरो डिग्री का एंगल भी बनेगा कब बनेगा जब वहां पे जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा जब वहां पे जो आपके निडिल होंगे जो आपके हैंड्स होंगे

बेहतरीन तरीके से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे ये सिर्फ आज तक नहीं ये आगे भी चलता रहेगा आप जहाँ भी हो जिस भी क्लास में हो हमेशा आपकी हेल्प होती रहेगी हमेशा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस होती रहेंगी ये सिर्फ उनके लिए है जो चीज़ों को अच्छे से करना जो सीखना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए नहीं है जिनको चाहिए कि सर आप सिर्फ दो ऐसे क्वेश्चन कराओ जिन्होंने आना जिन्होंने आना ही आना है ठीक है तो ऐसे में बात नहीं बनने वाली हमें मजे से पढ़ो ठीक है ये एक जर्नी है देखो पढ़ाई गाइज आपको हमेशा करनी होगी पढ़ाई आपको हमेशा करनी पड़ेगी या तो अब हमें रो रो के पढ़ना है या तो मजे से पढ़ना है ठीक है भले बोलना आसान होता है मैं बोलने में मुझे आसान है आपको करने में थोड़ी कठिन है लेकिन करना तो पड़ेगा ठीक है कुछ भी ऑप्शन नहीं है हम पे तो ये हो गया आपका कोइनसाइड हम कहते हैं तो ये कब होगा मैं अगर बोलू की सर ये घड़ी है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में कब आएगी आप बोलोगे हाँ सर सेम डायरेक्शन में कब आएगी ये बारह है एक है दो है दो नहीं है दो यहाँ पे है तीन है चार है पांच है छह मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे ये मिनट वाली सुनी तीन पे है आर वाली भी तीन पे दोनों एक ही साइड है यहाँ पे जब मतलब तीन पंद्रह हो रहा होगा तो वहाँ पे तीन फ्य। थ्री फिफ्टीन जब हो रहा होगा तो वहां पे वो क्या है एक ही साइड आ रही है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे ये आपका बारह रहे होंगे जब करेक्ट यहाँ पे बारह रहे होंगे तो वहां पे क्या सॉरी सॉरी क्या सॉरी सॉरी थ्री पे नहीं होगा ठीक है फिर वो आवर वाली भी तो आगे सड़क जाएगी समझ पा रहे हो ना जब मान लो अभी ये तीन बज रहे हैं अभी आपके यहाँ पे तीन बज रहे हैं तो यहाँ पे जब ये वाली ये मिनट वाली जब यहाँ पे आ गई होगी ये वाली भी तो थोड़ी इधर जा चुकी होगी ठीक है इधर जा चुकी होगी राइट तो यहाँ पे नहीं बनेगा बारह पे बनेगा एक तो बारह पे बनेगा अभी एक तो बारह पे बनेगा जब बारह रहे होंगे तीन पे भी बनेगा तीन पे कब बनेगा जब जब वो सुई कुछ इस इस टाइप पे आ गए यहाँ पे बनेगा कहीं पे तीन और चार के बीच जब आवर वाले यहाँ पे आ चुके कि मिनट वाले भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे मिल जाएंगे वहां पे जीरो डिग्री का एंगल बन जाएगा मतलब समझ जाओ जब दोनों सुई एक दूसरे के साथ साथ होंगे एक डायरेक्शन में होंगी वहां पे आपका जीरो डिग्री का एंगल बन जाता है ठीक है अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज बतानी है जीरो डिग्री का एंगल हमें पता चल गया कैसे बनता अब अगर मैं बोल बोलता हूं कि वो एक घंटे में वो कितनी बार बनेगा ठीक है एक घंटे में वो कितनी बार बनेगा वन आवर में वन आवर में जो आपका जीरो डिग्री का एंगल होगा वो कितनी बार बनेगा उस चीज को देखते हैं जरा वन आवर में हमने देखा सर एक बार बनेगा एम आई राइट और नॉट वन आवर में एक बार बनेगा वन टाइम बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि हमने देखा कि सर अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये वन है अभी अगर यहाँ पे एक रहे होंगे अभी अगर यहाँ पे, यहाँ पे आपके एक अगर बज रहे होंगे ठीक है तो जब ये दो की तरफ जब एक से स्टार्ट दो की तरफ बजने को होगा तो ये वाली सुई धीरे धीरे इधर आती होगी ये भी इधर आती होगी जब ये मिनट वाली यहाँ पे आई होगी तो ये वाली भी यहाँ पे दोनों मतलब एक से थोड़ी आगे अपने क्लॉक में देखना बेहतरीन तरीके से आपको मजा आएगा क्लॉक है मैं आपको दिखा सकता था ठीक है लेकिन वो दूसरे रूम में है ठीक है देखो यहाँ पे क्या अगर जब उसे आप ऐसे घुमाओगे ना क्लॉक को जब आप जब नेक्स्ट सेशन में ना मैं उसे क्लॉक से आपको पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से आपको मजा आ जाएगा उसमें राइटिस में कर सकता था ठीक है तो देखोग यहाँ पे जब ये एक से दो के बजने में होगा तो यहाँ पे दोनों एक से थोड़ी आगे दोनों से एक दूसरे के साथ साथ मिल जाएंगे तो वहां पे हम बोलेंगे कि एक डिग्री का बन गया ठीक है तो एक घंटे में एक टाइम बनेगा एक घंटे में एक बार बनेगा तो बारह घंटे में कितनी बार बनेगा यस yes, गाइज बारह घंटे में आप बोलोगे सर जब एक घंटे में एक बार बन रहा है तो बारह घंटे में बारह बार बनेगा यस यू आर राइट बट समवेयर यू आर रॉन्ग यू आर टोटली रॉन्ग अगर आपने बारह बोला है तो नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा वो देखिए होगा आपका ग्यारह बार बोलोगे सर ऐसा मत किया करो है ना फिर मजा नहीं आता ये ग्यारह बार होगा क्यों होगा देख लेते हैं वो भी आपको ही करवा लेते हैं ये बारह एक दो तीन चार पाँच कितनी बार लिखो इनको यार सात आठ नौ दस ग्यारह ये है आपका यहाँ पे ठीक है अब देखो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे ग्यारह बज रहे हैं जब यहाँ पे हमारी कितनी टाइम हो रहा है जब हमारे यहाँ पे ग्यारह बज रहे होंगे जब ग्यारह बज रहे हैं जब ये बारह बजने की तरफ मूव करेगी जब ये मिनट वाली सुई यहां से मूव करेगी आवर वाली यहां से मूव करेगी क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है इन दोनों के बीच क्या ये सुई किसी भी टाइम एक ही डायरेक्शन में आ रही है ग्यारह और बारह के बीच मिनट हैंड और आवर हैंड क्या एक दूसरे के कोइन साइड हो रही है एक इस डायरेक्शन में जा रही है आप बोल गए सर नहीं जा रही है क्यों नहीं जा रही है क्योंकि जब ये मिनट वाली सुई आगे मूव करेगी मूव करेगी उसी टाइम क्या ये आवर वाली सुई भी तो आगे मूव करती रहेगी ठीक है जब ये मिनट वाले मतलब जब आर वाले सुई बारह पे पहुंच जाएगी तब जाके ये बारह पे मिलने वाले अदरवाइज नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि मिनट वाली इधर मूव करेगी आर वाली उधर मूव करेगी फाइनली यहाँ पे बारह पे मिल जाएंगे तो ग्यारह और बारह के बीच नहीं बन रहा है ठीक है या मैं कह सकता हूं कि 11 और 12 से 12 और 1 से बजने में ये सिर्फ एक ही बार काउंट हो रहा है एक ही बार वहां पे बन रहा है कहां पे 12 पे फिर 12 के बाद भी नहीं बनेगा 12 पे बन गया 12 के बाद भी नहीं बनेगा क्यों क्योंकि यहां से ये यहां से पहले देखो यहां पे अभी 12 बज रहे हैं बारह पे दोनों सुई हैं अब ये एक की तरफ जब मूव करेगी यहाँ से मिनट वाली एक की तरफ जाएगी यहाँ से जारी होगी तो ये आर वाली एक पे पहुंच जाएगी अब आवर वाली पीछे से जा रही है ठीक है तो दोनों तो मिलने नहीं वाले सीधे एक पे एक से थोड़ी आगे मिलने वाले हो ठीक है इससे ग्यारह बारह और एक पे सिर्फ एक ही बार होगा तो हमने जबकि बोला कि एक घंटे में एक बार बारह घंटे में बारह बार लेकिन यहाँ पे ये दो घंटे में एक ही बार हो रहा है इट मीन्स ट्वेल्व माइनस वन करोगे बारह में से एक माइनस करोगे ग्यारह बार वहां पे हो जाएगा समझ आया नहीं आया समझ आ चुका होगा अगर मैं आपको ट्वेंटी फोर आवर में बोला तो आप बेहतरीन तरीके से कर दोगे कि सर बारह आवर में ग्यारह बार तो चौबीस आवर में ग्यारह दून बाईस बार हो जाएगा आई एम राइट और नॉट ठीक है ये आपको क्लियर पे हो चुका होगा बाईस बार बनेगा ये फंडा जरा याद रखना आपको मजा ही आ जाएगा नेक्स्ट हम आपको एंगल बताता हूँ मैं आपको ट्राई करता हूँ एंगल बताने का ठीक है कि नाइन्टी डिग्री का एंगल हम देख लेते हैं नाइन्टी डिग्री का एंगल देख लेते हैं जरा ताकि आपको और मजा आ जाए नाइन्टी डिग्री का एंगल कब बनता है कब बनता है कब बनेगा जब वो परपेंडिकुलर होंगे या जब परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल वहां पे हमारा बनना चाहिए सेम चीज अगर मैं बोलूँ कि एक घंटे में वन आवर में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा वन आवर में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा अब ये बारह बजे रहे या मैं एक को लेकर चलता हूँ बारह एक कितनी दूर बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अभी मैंने बोला कि सर आपके एक बज रहे हैं कितने बज रहे हैं एक बज रहे हैं क्या यहाँ पे नाइन्टी डिग्री है नॉट एट ऑल बिल्कुल भी 90 डिग्री नहीं है जब ये मिनट वाली जो ये आवर जब सॉरी जब ये मिनट वाली सुई आगे मूव करना चालू करेगी और ये आवर वाली भी तो मूव करना चालू करेगी पहले आवर वाली कम करेगी मिनट वाली ज्यादा करेगी तो मैं टाइम मानता हूँ रफली जब वहां पे टाइम हो रहा होगा रफली जब वहां पे आपका टाइम वारा वारा, हो रहा होगा अप्रोक्स वन ट्वेंटी वन होगा तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे एक इक्कीस पे ये दोनों मिल जाएंगी मतलब एक बजकर इक्कीस मिनट ये मिनट वाली सुई बीस के यहाँ पे आ जाएगी मिनट वाली सुई यहाँ पे आ गई होगी ये मिनट वाली सुई है आवर वाली सुई भी हल्का सा यहाँ पे एक से आगे आ चुकी होगी तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहां पे बनेगा आपका 90 डिग्री होप आपको दिख भी रहा होगा ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री इसे मैं ऐसे दिखा रखा है अब मैं इसे सुलटा कर देती हूँ तो 90 डिग्री तो यहाँ पे बनेगा ठीक है एक एक किस पे 90 डिग्री बनेगा एक फिर ये जब आगे मूव करेगा जब वहाँ पे मूव करेगा तो टाइम कहीं अप्रोक्सीमेट वहाँ पे टाइम आपका जो हो रहा होगा अप्रोक्स हो रहा होगा कहीं फिफ्टी या फिफ्टी के आसपास फिफ्टी के आसपास हो रहा होगा यहाँ से यहाँ पे एंगल बनेगा इस तरह इस तरह क्योंकि यहाँ पे दो बजने के होंगे दो से बहुत पास हो गए दो के बहुत पास वहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी एंगल आपका नाइन्टी डिग्री का बनता है तो एक घंटे में दो बार बनता है एक घंटे में आपका दो बार वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ठीक है फिर मैं बोलू बारह घंटे में कितनी बार बनेगा तो सर बारह घंटे में हमारा बनेगा चौबीस बार आप बोलोगे लेकिन अगेन फिर गलत हो जाएगा ठीक है गलत हो जाएगा एक घंटे में दो बार तो बारह घंटे में यहाँ पे हमारा जो बनता है वो वो बाईस बार बनता है बनना तो चौबीस बार चाहिए लेकिन बाईस बार बनता है अब ऐसा क्यों होता होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मैं नौ वाले टाइम को देखूंगा और तीन वाले टाइम को देखूंगा जब मैं नौ और तीन देखो जैसे हमने यहाँ पे समझा हुआ फंडा यहाँ पे कि जो नौ वाला टाइम होगा और जो तीन वाला टाइम होगा ये नौ वाला अभी इन दोनों के लिए होगा आठ से लेकर के दस तक दोनों के लिए होगा और ये भी दो से लेकर के तीन तक दोनों के लिए होगा ठीक है क्योंकि एक तो

चलो ये चीज जब बारह में बाईस है तो चौबीस में, तो कि में कितने होंगे बाईस तो में चौवालीस टाइम तो हो जाएगा आपका वहां पे क्या नाइन्टी डिग्री का एंगल ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा जो कि आना भी चाहिए आना ही चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एटी के वन एटी आपको पता है सर वन एटी डिग्री वन एटी डिग्री क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल होता है स्ट्रेट लाइन होती है आपकी वन एटी डिग्री स्ट्रेट लाइन और बेहतरीन तरीके से देखो यहाँ पे क्या होगा जीरो डिग्री में वो एक दूसरे के साथ साथ नाइनटी डिग्री में वो परपेंडिकुलर थे वन एटी डिग्री में गाइज आपके क्या हो जाएंगे यस यू आर राइट अपोजिट हो जाएंगे दोनों सुई जो आपकी मिनट वाली है जो आवर वाली है अपोजिट हो जाएंगे बाकी सेकंड वाली तो लगी है सेकंड वाली का तो हमेशा चलते जाना है सेकंड वाली सुई से सीखो हमेशा चलते जाना है चाहे कैसी परिस्थितियां हो उसे हमेशा एक एक सेकंड में चलते 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 जाना है और उसी के हिसाब से फिर सारे चलते जा रहे हैं ठीक है वो अलग बात है कि बैटरी डाउन हो जाए

यहाँ पे है अभी मान लो मान लो मान लो साढ़े या छह बज रहे हैं छह बजे पे अपोजिट है एक हो गया फिर ये क्या कभी अपोजिट होंगे नहीं होंगे क्योंकि देखो ये वाली, ये ये वाली जो पे मिनट वाली है ये यहाँ मूव करना चालू करेगी ये यहाँ क्या करेगी जैसे ये यहाँ मूव करेगी इस साइड को आएगी तो ये भी इस साइड को जाएगी ठीक है ये जाएगी 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 ठीक है तो ये अगर मैं बोलूँ अगर मैं आपको बोलू क्या बोलू कि एक बजे कि जब एक बज रहे होंगे तब अपोजिट कहाँ पे होगा तब कुछ अपोजिट यहाँ पे होगा ये अपोजिट हो जाएगा एक का मतलब वन जब 140 टाइप का कुछ हो रहा होगा तब वहां पे अपोजिट हो जाएगा वो है ना तो एक घंटे में एक ही बार हो रहा है तो आपका फिर 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा यस गैज यू आर राइट 12 घंटे में आपका 11 बार होगा 12 घंटे में आपका क्या होगा 11 टाइम्स होना एक फिर माइनस हो जाएगा सेम थिंग जहाँ पे हमने कर रहे थे कि एक जगह ऐसी आएगी कि जो दोनों के लिए काउंट होगा ठीक है अब अब तो आपको पता चल रहा होगा ट्वेंटी आवर में हम बात करें तो ट्वेंटी आवर में ग्यारह दिन ये बाईस टाइम हो जाएगा ठीक है जो कि आपका सेम थिंग चल रहा था किस चीज के लिए जीरो डिग्री के लिए वही फंडा आपका यहाँ पे क्लियर हो ठीक है

एट वट टाइम किस समय दिख रहा होगा मिनट एंड आवर हैंड विलट एंड आवर हैंड एट वट टाइम मिनट एंड आवर हैंड मिनट हैंड एंड आवर हैंड मिनट हैंड एंड आर हैंड विल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब जब सात से आठ को बजने होंगे जब सात से आठ को बजने होंगे सात से आठ के बीच जब सुई जारी होगी तो वहां पे आपका जो परपेंडिकुलर जो आपका क्या होगा जो मिनट वाली और आर वाली जो हैंड होगी वो कब परपेंडिकुलर होंगे कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो चीज हमें देखना है मान लो ये आपकी क्लॉक है बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सात से आठ अभी यहाँ पे अगर ये सेंटर है यहाँ पे ये सात बज चुके हैं यहाँ पे थोड़ी छोटा करना पड़ेगा और यहाँ पे ये सात रहे होंगे ठीक है यहाँ पे सात आपके बज रहे होंगे अब सात से आठ हमें जाना जब ये सुई यहाँ से यहाँ को मूव करेगी जब ये सुई यहाँ से यहाँ से मूव करेगी ये वाली यहाँ से यहाँ को आएगी ये हल्की यहाँ जाएगी तो किस जगह वहां पे परपेंडिकुलर होगा किस जगह वहाँ पे परपेंडिकुलर होना है वो चीज़ हमें देख लेनी है ठीक है तो हम फील करते जब ये धीरे धीरे इधर आना चालू करेगी ये भी इधर आना चालू करेगी तो मतलब कहीं ना कहीं इस एरिया पे यहाँ पे बनेगा जब ये सुई यहाँ पे और यहाँ पे होगी उस एरिया पे कहीं पे बनेगा वो कैसे फाइंड करेगी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एंगल इज इक्वल टू सर आपको याद होगा कि एलेवन इंटू मिनट था एंगल मुझे दे है। एंगल कितना दे रखा है नाइनटी डिग्री दे रखा है इलेवन हाँ है, है, दे है देखो ध्यान मिनट ही तो मुझे निकालना है मिनट मुझे निकालना है आर मुझे दे रखा है क्या आवर दे रखा है सिक्सटी इंटू एच सेवन है क्योंकि सात तो बज चुके हैं सात आपका कंप्लीट है तो सेवन आवर हम मान लेंगे अपॉन में आपका टू है ये दिख रहा होगा आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक सौ अस्सी डिग्री

पहली बात है बयालीस में मैंने ये बहुत और लिख दिया ठीक है सात सौ के बयालीस फोर ट्वेंटी हो जाएगा यहाँ पे भी आपका फोर ट्वेंटी हो जाएगा प्लस करोगे तो जीरो का जीरो आठ दस के जीरो से चार पाँच एक से छः सौ हो जाएगा छः सौ बटे ग्यारह हो जाना इसमें ठीक है एम इज इक्वल टू छः सौ बेटे ग्यारह से करोगे ग्यारह पंच इलेवन फाइव फिफ्टी फाइव वहाँ पे फिफ्टी फिर आपका क्या हो जाएगा 50 है तो इलेवन फोर जा फिफ्टी फोर पॉइंट समथिंग फिफ्टी फोर पॉइंट समथिंग आएगा मतलब सात बज करके चौवन मिनट सात बज के चौवन मिनट अच्छा ठीक है ठीक है मैं बोला था यहाँ बनेगा यहाँ नहीं बनेगा कहाँ बनेगा सात बज के चौवन मिनट पे बनेगा ठीक है सात बज करके चौवन मिनट मतलब जब, जब ये ऐसा हो जाएगा बारह अच्छा दो एंगल बनेंगे गाइस दो एंगल बनेंगे ठीक है ये बारह यहाँ पे तो जब मिनट वाली सुई कुछ इस तरह यहाँ पे आ चुकी होगी सात चौवन बोला है ना तो दस से थोड़ी पहले होगी या ग्यारह से थोड़ी पहले होगी और यहाँ पे सात होगा साथ कुछ यहाँ पे होगा तो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा ये एंगल आपको दिख भी रहा होगा नाइन्टी डिग्री देख रहे हो देख रहे हो गाइस नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा आपका वहाँ पे ठीक है तो ये है अब यहाँ पे देखो भले ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है कंफ्यूज मत होना ठीक है यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये दो टाइप से होगा कहीं पे हमने बोला माइनस में आता है कहीं पे प्लस में भी आता है माइनस में जब पीछे बनेगा प्लस में जब आगे बनेगा मतलब मेरा चवाइस जब पीछे होगी माइनस आगे होगी तो प्लस तो इसके दो वैल्यू आते हैं वो हमें अरे सिंपल सी बात है जब यहाँ पे ये यह मान लो ये एंगल है एक एंगल तो है आपका अंदर वाला एक एंगल ये बाहर वाला भी तो है ठीक है तो दो एंगल रहते हैं यहाँ पे वो आगे चीज आपको क्लियर होंगी जब आप बड़ी एग्जाम की तैयारी करोगे मतलब जब डीप पढ़ोगे इतना डीप तो है आपके लिए ऑलरेडी ठीक है ओके okay गाइस तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है आप क्वेश्चन अगर वो नॉर्मली क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि एक मिनट में वो कितने का एंगल बनाएगी है ना बारह घंटे में कितने का बनाएगी मेन कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन भी कुछ हल्के फुल के आपको करवा दिए बाकी मैंने बोला कि क्वेश्चन कम ही पूछेगी थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कम ही पूछेगी थे क्लॉक से कम क्या बहुत कमी पूछे गए थे राइट तो होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी ठीक है आज मेरी हेल्थ भी थोड़ी ढीली लग रही हुई है लोगों को राइट तो क्लॉक आपके यहाँ इंटेलिजेंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बेहतरीन तरीके से हो सकता है नॉट श्योर हो सकता है

होती है टाइम टू टाइम आपको हर चीज सिखाया धीरे-धीरे ठीक है एक बार सब कुछ नहीं होगा एक एक दिन दिन में सब सब कुछ कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन सब कुछ जरूर होगा लेकिन जरूर बस मेहनत okay जो भी करना है कर लो इतना आपने देख लिया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखते रहिए बेस्ट बी है